देखिए, जहां तक कुंभ मेले के दौरान स्पेशल गाड़ियों का प्रश्न है, तो हमारी जो आउटवर्ड गाड़ियां, जब हमारे जो मुख्य स्नान के दिवस होते हैं, तो कुंभ दिवसों की बात करें तो हम लोग 800 स्पेशल गाड़ियां चला रहे हैं। और अब की बात, एक बहुत ही खास बात है कि जो हमारी स्पेशल गाड़ियां हैं, इसमें से आधी यानी 400 गाड़ियां टाइम टेबल्ड होंगी, यानी लोगों को पहले से पता होगा कि कौन सी गाड़ी है, कब जाएगी, कौन से प्लेटफॉर्म से जाएगी, कहाँ जाएगी। ये एक बिल्कुल नई चीज अब की बार के कुंभ में हमने इंट्रोड्यूस करी है। गाड़ियां अमूमन 20 कोच की एक गाड़ी होगी, तो उस हिसाब से अगर आप लीजिए तो करीब 1600-1700 कोच हमारे पास होंगे। और फैसिलिटीज का जहां तक प्रश्न है, तो देखिए, ज्यादातर तो उसमें हमारे अनरिजर्व टिकटेड यात्री होते हैं, तो वो अनरिजर्व टिकटिंग वाली जनरल बोगीज ही होंगी। लेकिन इसमें इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि आपको सफाई का स्तर पहले से बेहतर मिलेगा, और सारी की सारी जो हमारे कोचेज हैं, जितनी भी स्पेशल गाड़ियां हैं, उनके ऊपर आपको कुंभ की ब्रांडिंग मिलेगी। और ओवरऑल जो सुविधाएं हम लोगों ने हमारे तीर्थयात्रियों के लिए बनाई है, जैसे हमने यात्री आश्रय बनाए हैं, पिछली बार से दोगुने बढ़े हैं, और 4 यात्री आश्रय जो इलाहाबाद जंक्शन स्टेशन के, उसमें 10,000 लोग आ सकते हैं। उसके अंदर टिकटिंग की फैसिलिटी है, उसके अंदर पानी है, टॉयलेट है, खाने पीने का सामान है, सभी कुछ है। तो ये सारी चीजें रहेंगी उसके अंदर, और इस सबसे उनको काफी सुविधा होगी।